एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे। एस आर इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइफ प्रोसेस चैप्टर का, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। और इसमें जो जो क्वेश्चन अराइज होते हैं मैं उनको आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी, और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे इसके नोट्स बना रखे हैं उसको आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हो, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है जो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग। रेस्पिरेशन में क्या होता है, मेनली जो रेस्पिरेशन है उसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। जैसे हमने पहले वाली वीडियो में स्टडी किया था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक में क्या था, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का मेनली मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी प्रोसेस सेल के अंदर होती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको बताऊंगी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि कौन कौन से ऑर्गन हेल्प करते हैं हमारी सांस लेने में। जैसे यहाँ पे दिखाया गया माउथ कैविटी, फेरनेक्स, लारनेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ये सारे क्या हैं, पार्ट हैं। देखो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनके पार्ट का पता होना चाहिए, यानी कि इनके ऑर्गन का पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या है, नसल कैविटी, फेरनेक्स, लारनेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ये क्या है, इसके पार्ट है किसके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ठीक है, जिसे मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बताऊँ कि ये क्या है, एक डायग्राम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो यहाँ पे क्या है, जो स्टार्टिंग में ये हमारी नाक है इसको क्या बोला गया है, नसल पैसेज या नसल कैविटी। फिर देखो माउथ दिखाया गया, फेरनेक्स क्या होता है, जो जस्ट हमारे जैसे हम सांस लेते हैं उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको फेरनेक्स बोला जाता है। लारनेक्स क्या होता है, फेरनेक्स के जस्ट आगे वाला पार्ट। ठीक है, फिर जो यहाँ पे ऐसी सर्कुलर रिंग टाइप की स्ट्रक्चर दिखाएगी इसको ट्रैकिया बोला जाता है। ठीक है, जिसे हम थ्रोट भी बोल सकते हैं, यानी कि गला। उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पे ये क्या दिखाया गया, देखो यहाँ से ये ब्रांचेस निकली हुई, इनको क्या बोला जाता है, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई आगे जाके फिर ये पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, डिवाइड होते हैं, जैसे कि ये शाखाएं होती हैं पेड़ की, वैसे ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं और ये टर्मिनेट हो जाते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर में, उनको क्या बोला जाता है, एल्वोलाई बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या है, दो लंग्स हैं। यहाँ पे क्या दिखाए गए, दो लंग्स दिखाए गए हैं जो हमारे चेस्ट कैविटी में होते हैं, और इनके ऊपर क्या होती है, रिब केज होती है, यानी कि पसलियाँ होती हैं। ठीक है, तो साथ में यहाँ पे डायफ्राम और रिब केज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सांस लेने में, जिसे मैं आपको बताऊंगी कि इनका क्या क्या रोल होता है। ठीक है, तो ये इसके पार्ट है जो मैंने आपको डायग्राम से बताया। अब हम देखेंगे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन से पार्ट आते हैं, यानी कि कौन से ऑर्गन आते हैं, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन से ऑर्गन आते हैं। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट के थ्री ऑर्गन है, यानी कि दो तीन पार्ट है, नसल कैविटी है, फेरनेक्स है, लारनेक्स है, इनको बोला जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, और जो लास्ट के तीन बचे हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स, ये होते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। यहाँ से क्या है, क्वेश्चन अराइज किया जाता है कि कौन से पार्ट, यानी कि कौन से ऑर्गन को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बोला जाता है, और कौन से, यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन से ऑर्गन आते हैं। ओके, तो अब मैंने जो यहाँ पे ये पार्ट आपको बताया इनको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। जैसे फर्स्ट हमारा है नसल कैविटी। नसल कैविटी क्या होता है, देखो हम सांस लेते हैं, फर्स्ट हमारा आता है नाक। ठीक है, फर्स्ट हमारा कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है सांस लेने में, यहाँ से ये नाक होती है। देखो हमारे नाक में दो होल प्रेजेंट होते हैं, उन होल के थ्रू क्या है, जो एयर है वो पास होके जाती है, कहाँ पे पहुँचती है, नसल कैविटी तक पहुँचती है। और हमारी नाक में छोटे छोटे बाल भी होते हैं, साथ में यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ भी होता है, जो क्या करता है, जो हम सांस लेते हैं उसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको वो फिल्टर आउट कर देता है, यानी कि उनको अंदर नहीं जाने देता। ठीक है, तो देखो क्या काम होता है नसल कैविटी का, अवर नोज हैज टू होल्स विच आर कॉल्ड द नोस्ट्री। ठीक है, देखो हमारी नाक में दो होल होते हैं जिनको नोस्ट्री बोला जाता है। When we inhale air, it passing through our nostril into the nasal cavity. देखो inhale का मतलब होता है अंदर सांस लेना, जैसे हम सांस अंदर लेते तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और exhale का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है, जो सांस हमने ली है, यानी कि जो एयर हमने ली है, वो पास होके हमारे इन दो होल से पास होके कहाँ पे पहुँच जाती है, नसल कैविटी तक पहुँचती है। ठीक है, फिर नसल कैविटी का काम क्या होता है, देखो द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रल इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर दैट लाइन दैट पासिस। ठीक है, तो जैसे हमारी नाक से ये हवा पास होती है तो वहाँ पे जो हेयर प्रेजेंट होते हैं थीन हेयर, वो क्या करते हैं, इस एयर को फिल्टर कर देते हैं, यानी कि इसमें जो डस्ट पार्टिकल है उनको अलग कर देते हैं, हमारे अंदर नहीं जाने देते। ठीक है,
इट हैज़ ए गार्ड सेल विच ब्लॉक द इनहेलेशन ऑफ लार्ज पार्टिकल। और इसमें क्या होती है, जो हमारी नोस्ट्रल या नसल कैविटी होती है उसमें गार्ड सेल प्रेजेंट होती हैं, और उन गार्ड सेल का काम क्या होता है, जो सांस हमने ली है इनहेलेशन में जो लार्ज पार्टिकल आए हैं उनको क्या कर देना, ब्लॉक कर देना, यानी कि उनको अंदर नहीं जाने देना। ठीक है, तो ये काम किसका था, नसल कैविटी का था। उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट जो है फेरनेक्स। फेरनेक्स फेरनेक्स को क्या बोला जाता है, थ्रोट भी बोला जाता है। तो देखो मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी, ये 13 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हुआ है, जो नसल कैविटी हमने स्टडी की उसके बाद आता है फेरनेक्स। फेरनेक्स को क्या बोला जाता है, थ्रोट, यानी कि जो हमारा गला है। ठीक है, ये फेरनेक्स है, और ये क्या होता है, एक मस्कुलर फनल होता है जो कितना लंबा होता है, 13 सेंटीमीटर का होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जो हमारा यहाँ तक का पार्ट होता है, फेरनेक्स तक का पार्ट होता है, यहाँ पे ये कॉमन एक ही रास्ता होता है। यहाँ पे देखो जो हमने सांस लिया है, एयर है, खाना खाया है, पानी पिया है, वो सारे के सारे इस तक तो आते आते, यानी कि एक कॉमन पाथ है, खाने का भी, एयर का भी, पानी का भी। ठीक है, लेकिन आगे आके जो लार्नेक्स आता है ना, यहाँ से क्या होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि जो खाना है, पानी हमने पिया, वो तो जाता है हमारी फूड पाइप में, और जो सांस हम जा ले रहे हैं वो जाता है विंड पाइप में। वो अलग होता है कहाँ पे आके, लार्नेक्स पे आके, जो हम अब आगे स्टडी करेंगे। फेरनेक्स में क्या होता है, कॉमन पाथ, यानी कि कॉमन पॉइंट होता है जो खाना खाया, पानी पिया या हवा का। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला गया, फूड ड्रिंक एंड एयर शेयर कॉमन पाथ अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट तक तो ये सारे इस पॉइंट तक आते हैं, यानी कि इस पाथ को तो ये कवर करते ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है लार्नेक्स है, जो फेरनेक्स के बाद आता है वो क्या होता है, लार्नेक्स होता है। ठीक है, जो लार्नेक्स है इसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम क्या करते हैं, बोल सकते हैं, यानी कि स्पीकिंग करते हैं, टॉकिंग करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लार्नेक्स बोला जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक स्पून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे लार्नेक्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, एपिग्लोटिस होता है, एक ऐसा फट्टा होता है जो क्या करता है, जो विंड पाइप है और जो हमारी फूड पाइप है उनको क्या करता है, अलग करता है। जैसे कि हमने खाना खाया है तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, विंड पाइप को तो बंद कर देता है, यानी कि वो जो ढक्कन टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है वो विंड पाइप को बंद कर देती है और फूड पाइप को खोलती है, ताकि जो खाना हमने खाया वो क्या हो जाए, फूड पाइप में जाए। ठीक है, और जैसे हम हवा लेते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, तो तब क्या होता है, जो ये एपिग्लोटिस है ये फूड पाइप को बंद कर देता है, यानी कि वो ढक्कन कान लग जाता है फूड पाइप पे, और जो हवा या सांस हमने ली है वो जाती है विंड पाइप में। ठीक है, तो ये इसका काम होता है अभी इन दोनों को अलग करने का। ठीक है, तो ये क्या है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी फेरिंग्स तक तो सारे के सारे सेम पाथ फॉलो करते हैं, लेकिन आगे आके या दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, वो किसकी हेल्प से होती है, एपिग्लोटिस की हेल्प से होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हुआ है, इट हैज ए स्पून शेप्ड फ्लैप ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड द एपिग्लोटिस। ठीक है, इट कीप फूड एंड ड्रिंक आउट ऑफ एयरवे, जो क्या करता है, फूड और ड्रिंक को एयर के जो रास्ते हैं उनसे अलग कर देता है, यानी कि हवा को ये विंड पाइप में भेजता है और खाना और ड्रिंक जो हमने किया उसको ये फूड पाइप में भेज देता है। ठीक है, इसके बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जैसे कि यहाँ पे ये है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ये किसके नेक्स्ट आता है, ये आता है लैरिंक्स के बाद में, जिसको क्या बोला जाता है, ट्रैकिया बोला जाता है। ट्रैकिया क्या करता है, पीछे से जो हवा आई है उसको इसके नेक्स्ट पार्ट में भेज देता है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, विंड पाइप भी बोला जाता है। ओके, और ये कितने सेंटीमीटर की लेंथ होती है, इसकी 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, जो ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, फेरनेक्स की लेंथ कितनी थी, 13 सेंटीमीटर की थी, ट्रैकिया की 12 सेंटीमीटर होती है। ओके, ट्रैकिया का काम क्या होता है, ट्रैकिया ट्रांसफर द एयर टू नेक्स्ट पासिस ब्रोंकाई। देखो इसके बाद क्या होता है, ट्रैकिया के बाद जो ये यहाँ से शाखाएं सी दिख रही है आपको, ये यहाँ ब्रांचेज बनी, इनको क्या बोला जाता है, ब्रोंकाई बोला जाता है। ट्रैकिया क्या करता है, जो हवा यहाँ से आई उसको इसके ब्रोंकाई में भेज देते हैं। ठीक है, कहाँ पे भेजता है, ब्रोंकाई में भेजता है। रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रोट विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, एयर पासिंग डज नॉट क्लोज अप। अब देखो जो यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी ट्रैकिया में, इसका काम क्या होता है, ये इसको जो हमारा गला उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ताकि जो हवा हमने ली है वो क्लोजअप या हटके ना आसानी से वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाए। ठीक है, किसके थ्रू पहुंचती है, वो इस ब्रोंकाई के थ्रू पहुंचती है। ठीक है, फिर ये ब्रोंकाई आगे फिर क्या होता है, बहुत सारी छोटे छोटे टर्मिनल में, यानी कि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिनको क्या बोला जाता है, एल्वोलाई बोला जाता है। ठीक है,
तो जिनको अब हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट, अब इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है ब्रोंकाई का। ब्रोंकाई किसके बाद में आया, ट्रैकिया के बाद आया, ठीक है। ब्रोंकाई इज़ द सेंसमल पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो ब्रोंकाई होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रोंकाई जैसे दो है, एक लेफ्ट साइड में होती है, एक राइट साइड, क्योंकि हमारे लंग्स भी दो होते हैं, लेफ्ट और राइट, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये दो ब्रोंकाई है, ये दोनों ब्रोंकाई क्या करती हैं, जो हवा आई है, देखो जो लेफ्ट साइड में जो हमारा लंग्स है वहाँ तक हवा कौन पहुँचाता है, लेफ्ट साइड की ब्रोंकाई पहुँचाती है, और राइट साइड में जो लंग्स है वहाँ तक हवा कौन पहुँचाता है, राइट साइड की ब्रोंकाई पहुँचाती है, ठीक है। ब्रोंकाई क्या है, टू टाइप की होती है, लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई। लेफ्ट ब्रोंकाई का काम क्या होता है, कैरी एयर टू लेफ्ट लंग्स, ठीक है, अभी लेफ्ट लंग्स तक ये क्या करती है, हवा को पहुंचाने का काम करती है। राइट ब्रोंकाई क्या करती है, कैरी एयर टू राइट लंग्स, ओके। अब देखो लंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लंग्स क्या होता है, जो लंग्स होता है ना वो प्रेजेंट होते हैं, लंग्स का मतलब क्या होता है, फेफड़े, वो हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। चेस्ट कैविटी क्या होती है, जो सराउंडेड बाय द रिंग्स रिब्स ऑन द साइड, ए लार्ज मस्कुलर सीट का डायफॉर्म। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ दो वर्ड आए हैं, एक है रिब्स का और एक है डायफॉर्म का, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, चेस्ट कैविटी होती है। यहाँ पे चेस्ट कैविटी में ये लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो किससे सराउंडेड है, रिब्स से, ये रिब्स हैं, ठीक है। जो यहाँ पे ये सर्कुलर सी ये रिंग दिख रही है, ये क्या होती है, पंसलियाँ हैं, जो इनसे सराउंडेड होती है, और इसके नीचे ये क्या होता है, डायफॉर्म होता है, ठीक है। ये क्या दिया गया है, डायफॉर्म दिया गया है। जो क्या करता है डायफॉर्म, एक फ्लोर तैयार करता है इसके लिए, चेस्ट कैविटी के लिए, ओके। तो ये क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, और जो लंग्स हैं उनको इलास्टिक बैग भी बोला जाता है। ओनली लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो पानी के ऊपर तैर सकता है, यानी कि इसमें इतनी ज़्यादा फ्लोटिंग पावर होती है कि ये पानी पे भी तैर सकता है, इसलिए इसको इलास्टिक बैग बोला जाता है। लंग्स टू हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन होता है यहाँ से कि इनमें से कौन सा लंग्स बड़ा होता है, कौन सा छोटा। देखो ये जो राइट साइड का हमारा फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है लेफ्ट साइड के फेफड़े से, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। देखो हर लेफ्ट साइड में हार्ट प्रेजेंट होगा तो ये थोड़ा सा क्या होता है, टिल्ड होता है, यानी कि थोड़ा सा तिरछा होता है जो हमारा फेफड़ा होता है, तो इसलिए लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा है वो छोटा होता है राइट साइड से, क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कि जो लंग्स है ना, लंग्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, हमने क्या ब्रोंकाई तक हमने स्टडी किया था, ठीक है। विद इन द लंग्स द पास इज डिवाइड इन टू द स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब विच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड द एल्वोलाई। देखो क्या होता है, लंग्स के अंदर हमने ब्रोंकाई देखी, फिर वो ब्रोंकाई लंग्स में जाके क्या होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब में डिवाइड हो जाती है, और लास्ट में ये ट्यूब जाके कहाँ पे ख़त्म होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर पर, जिनको क्या बोला जाता है, एल्वोलाई बोला जाता है, ठीक है। जिसे मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाऊँ कि ये दो ब्रोंकाई थी, फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये ट्यूब में डिवाइड हुई, जैसे कि यहाँ पे ये दिखा रखा है, इन ट्यूबों में ये डिवाइड हुई, ट्यूब के बाद फिर यहाँ पे क्या हुई, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखे जो लास्ट में है, इनको क्या बोला गया है, एल्वोलाई बोला गया है, ठीक है। और ये क्या होती है, ब्रोंकाई ट्री भी बोल सकते हैं हम, जैसे क्योंकि जैसे ट्री की शाखाएँ होती हैं, ऐसे ही क्या है, इन ब्रोंकाई की शाखाएँ निकली है, या जिनको हम स्मॉल ट्यूब बोल रहे हैं, और फिर ये लास्ट में जाके ऐसे गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर पे टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, एल्वोलाई बोला जाता है, ठीक है। इन एल्वोलाई में क्या होता है, ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, जैसे कैपलरी होती है, और इन्हीं कैपलरी के थ्रू क्या होता है, जो हमने सांस लिया है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, वो इनसे पास होके हमारी बॉडी के हर अंग तक पहुंच जाती है, ठीक है। और इन्हीं के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो उनको फेफड़ों में भेजा जाता है, और फिर क्या होता है, वो हमसे हमारे शरीर से बाहर निकलती है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से आता है एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में, कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है, एल्वोलाई है, जो क्या होती, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, विद इन द लंग्स बैलून लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एल्वोलाई, ठीक है। यानी कि जो ब्रोंकाई है वो स्मॉल ट्यूब में क्या हुई, डिवाइड हुई है, और वो टर्मिनेट हुई है बैलून लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको क्या बोला गया है, एल्वोलाई बोला गया है, ठीक है। इट प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। देखो एल्वोलाई का काम क्या होता है, एल्वोलाई वो स्पेस डोनेट करती है जिससे क्या है, गैसेस का क्या हो जाए,
एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। और जो ये गैसेस का एक्सचेंज होता है ये बाय डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्स हो जाना, ठीक है। डिफ्यूजन की हेल्प से ही क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ओके, तो देखो द वॉल ऑफ द एल्वोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। जो ये एल्वोलाई होती है इसकी जो ये वॉल है यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं, हम कैपिलरी भी बोल सकते हैं, और इन्हीं के थ्रू क्या होता है गैसेस का एक्सचेंज होता है बाय डिफ्यूजन मेथड। ओके, तो ये तो था क्या जो जहाँ पे हमने देखा भी क्या क्या पार्ट इसमें इन्वॉल्व हुए हैं हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था दो वर्ड के बारे में, एक रिब्स और एक डायफॉर्म। रिब्स क्या होते हैं, रिब्स होती पंसलियाँ, और डायफॉर्म क्या होते हैं, जो यहाँ पे ये क्या है सरफेस या फ्लैट सरफेस प्रदान करता है, ठीक है। तो ये नीचे वाला है ये डायफॉर्म होता है और ये क्या होती है रिब्स होती हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इनकी क्या मूवमेंट होती है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, ठीक है। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, सांस अंदर की साइड लेना, एक्सहेलेशन का काम होता है सांस बाहर की तरफ छोड़ना, ठीक है। तो देखो मूवमेंट ड्यूरिंग इनहेलेशन, मूवमेंट ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है अंतग्रहण, यानी कि अंदर की ओर सांस लेना, ठीक है। ड्यूरिंग इनहेलेशन मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड डायफॉर्म। अब हम देखेंगे जो रिब्स और डायफॉर्म है उनकी क्या मूवमेंट होती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखो रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायफॉर्म मूव डाउन। तो देखो ये दो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, तो आप करके भी देख सकते हो। आप सांस को अंदर की साइड लोगे, जैसे आप सांस को अंदर की साइड लोगे जो हमारी पसलियाँ हैं वो तो मूव करेंगी अब ऊपर की ओर यानी कि आउटसाइड, और जो डायफॉर्म है वो मूव करेगा डाउनवर्ड में, ठीक है। ड्यू टू दिस मोमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रूस इन टू द लंग्स, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही हमारी पसलियाँ ऊपर की तरफ मूव करती हैं तो, और डायफॉर्म नीचे की तरफ मूव करता है, तो वो क्या कर देता है, स्पेस को इंक्रीज कर देता है, किसके स्पेस को, चेस्ट कैविटी के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा हमारे लंग्स में एंटर कर जाए। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, ठीक है, और हमारा जो लंग्स है वो क्या है हवा से भर जाए, ठीक है। जैसे हम ये नहीं बोलते कि ऐसे छाती फूल जाती है, वो किसकी वजह से होती है, रिब्स और डायफॉर्म की मूवमेंट की वजह से, ठीक है। अब देखो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन का मतलब क्या होता है, हवा को बाहर छोड़ना यानी कि सांस को बाहर छोड़ना। एक्सहेलेशन में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो हमने इनहेलेशन में स्टडी किया है ये जस्ट अपोजिट होता है किसका, इनहेलेशन का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो रिब केज होती है हमारी यानी कि जो पसलियाँ होती हैं वो मूव करेंगी इनवर्ड में या डाउन में, और डायफॉर्म मूव करता है अपवर्ड में, ठीक है, या आउटसाइड। ओके, तो देखो रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड एंड डायफॉर्म मूव अप, दिस इज रूस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, रिड्यूस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। देखो क्या हुआ है, जो हम एक्सहेलेशन करते हैं उस कंडीशन में हमारी जो रिब्स है पंसलियाँ हैं वो अंदर की साइड मूव करती है, डाउनवर्ड में मूव करते हैं, डायफॉर्म अपवर्ड में करता है। ऐसा करने से क्या होता है, जो हमारी बक्स गुहा है यानी कि चेस्ट कैविटी, उसका साइज रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, और कम होने की वजह से जो हमारे लंग्स में हवा भरी हुई थी वो क्या होंगी, पुश आउट होंगी यानी कि बाहर निकलेंगी, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो इसमें आप याद रखोगे ड्यूरिंग ब्रीथिंग चेंज इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी। देखो हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं ना, इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, उसमें जो साइज होता है चेस्ट कैविटी का वो क्या इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अगर चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज हुआ है तो जो हवा है वो हमारे लंग्स में भर जाती है, अगर उसका साइज रिड्यूस हो जाता है तो जो हवा है वो लंग्स से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, रेस्पिरेटरी इन ह्यूमन बींग। तो एक बार मैं फिर आपको स्टडी करवा दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले नसल कैविटी आती है यानी कि जो हमारे नोस्ट्रिल है वहाँ पे हवा एंटर करती है, उसके बाद फेरेंक्स में आती है, ज़्यादा लैरेंक्स। लैरेंक्स क्या करता है, जो हमारी फूड ड्रिंक है उनको अलग अलग कर देता है, फूड को फूड पाइप में भेजता है और विंड को विंड पाइप में भेजता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, ट्रैकिया आता है, ठीक है। ट्रैकिया में क्या होते हैं, सर्कुलर रिंग प्रेजेंट होती है जो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ट्रैकिया के बाद क्या होता है, ब्रोंकाई आती है। ब्रोंकाई क्या करती है, लंग्स में जाके डिवाइड हो जाती है एक छोटी छोटी ट्यूब में और टर्मिनेट होती है कहाँ पे, बैलून लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ब्रोंकाई कहाँ पे, लंग्स में। लंग्स से क्या होते हैं, एल्वोलाई में। एल्वोलाई में ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है जहाँ से क्या होता है, हमारे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये स्टेप हमने यहाँ पे स्टडी की है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।